हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। सीरियल लीग का मैच हो रहा है यूडिनेस फोर्सेस कैगिलारी के बीच 10 बजे। एंड बात करें, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। देन बात करें इस मैच की, तो दोस्तों यूडिनेस एंड कैगिलारी दोनों लास्ट सीजन एक ही पानी, मतलब एक ही नाव पे थी ये सवार। मतलब अगर एक टीम 12वें नंबर पे तो दूसरे 13वें नंबर पे, तो मतलब इनका कुछ कोई प्रोग्रेस नहीं है। मेरे को 2022 से लेके अगर मैं अब तक की बात करूँ तो भाई साहब डिग्रेस ही चल रही है इनकी। प्रोग्रेस तो मैं कहूँगा कि हुई ही नहीं दोनों टीमों की। और अगर इस टीम में, अगर आज के मैच में इन दोनों में से कोई भी टीम जीत जाती है, मैं कहता हूँ अगर यूडिनेस जीतती है या कैगिलारी जीतती है, भाई साहब मेरे को एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना मैं इन दोनों टीमों का फ़ैन हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ कि ये जीते, क्योंकि ना ये नॉकआउट मैच है, ये कुछ ही नहीं है, ये जस्ट एक लीग मैच है। मुझे पता आधे से ज़्यादा लोग इसे नहीं खेलने वाले, और आपकी राय सही है। अगर आप इसे नहीं खेल रहे देन यू कैन ऑल्सो ड्रॉप दिस मैच, अगर आप स्किप करते हो तो चलेगा, अगर खेल रहे हो तो भाई ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, हाथ जोड़ता हूँ, ये जैकपॉट वैकपॉट कहीं से नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो स्ट्राइकिंग की बात करें, देखिए भाई इतना ज़्यादा एनालाइज़ करने के बाद भी इनकी गंदी स्ट्राइकिंग है इनकी, कि मैं इतना अभी भी इतना कंफ्यूज हूँ। मैं अभी टीम बना चुका हूँ, अभी मैं अपनी दूसरी आईडी में टीम बना चुका हूँ और अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी कंफ्यूजन नहीं हट रही कि स्ट्राइकिंग में भाई साहब कप्तान किसको रखोगे। गोल रेशियो इतना गंदा है इनका, मतलब पहले तो मैं आरपी कोहली की बात करूँ, ये बंदा बीच में थोड़ा ठीक हुआ था, मैं चलो मैं इसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसे ले रहा हूँ, लेकिन अब ये जेड लुवुम्बो को नहीं भेज रहे। लापाडुला की फॉर्म लास्ट 3 ईयर्स से मेरे को दिखी नहीं। एल पैवोलेटी को अगर भेज भी देते हैं तो वो काम का नहीं है। तो मतलब सिर्फ एक प्लेयर रह गया यहाँ पे जिसको हमने ले लिया, उसके बाद ऑपोजिशन टीम में है लूका, सिर्फ लूका बनता है भाई। अगर आप देखिए पिछले मैच 19 अक्टूबर को येलो कार्ड सस्पेंशन हुआ था, सस्पेंड नहीं हुआ था, सिर्फ येलो कार्ड मिला था, ठीक है, सस्पेंशन होता तो लिखा होता, इसलिए मैं लूका के साथ जा रहा हूँ। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ ब्रैनर की, देखिए ब्रैनर अच्छा है, मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ब्रैनर का गोल रेशियो कम है, ठीक है, चलो मैं कहता हूँ गोल रेशियो कम भी हो चलेगा, लेकिन शॉट ऑन टारगेट रेशियो भी कम है। आगे लीड प्लेयर में रहो, अब जैसे अगर तुम लीड हो, अगर ये आगे आगे बढ़ के गोल करने की कोशिश कर रहा है और गोल नहीं आ रहा, शॉट ऑन टारगेट नहीं आ रहा, तो भाई साहब एक्यूरेसी कितनी कम है इस बंदे की, ज़रा सोचने वाली बात है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं जा रहा। उसके बाद मिडफील्डिंग की बात करें, देखिए मैं मेराइन को जरूर लूँगा, मैंने थॉविन को जरूर लेना था, दुर्भाग्यवश वो इंजर्ड है, इंजरी ना होती तो कप्तान भी रख देता मैं, डरता ना, लेकिन अब वो नहीं खेल रहा तो उसकी जगह ना लॉब्रिक के साथ जाना पड़ रहा है। और अब कई लोग बोलेंगे तूने प्रीवियस मैच में भाई सेकेंडरी प्लेयर में एकलम का नाम दिया था बट वो खेला नहीं तो हमने कोई और ले लिया। देखो भाई ऐसा तो नहीं है ना जिस मर्जी को उठा लोगे, अब थॉविन नहीं खेला तो मैं ज़रूरी थोड़ा है कि मैं जेस्पर को लूँगा, मैं नहीं ले रहा जेस्पर को, ज़बरदस्ती प्लेयर मत उठाओ, ज़बरदस्ती अगर करोगे ना आप मेरे भाई आपको दिक्कत होगी। उसके बाद एक इनका प्लेयर है प्रैटी, पिछले मैच में था डियोला, प्रीवियस मैच 6 अक्टूबर को प्लेइंग 11 में नहीं था, उसके पहले जितने भी मैचेस में अगर ये प्लेइंग 11 में रहा होगा शायद मैंने इसे एक आध बार ट्राई किया हो, लेकिन वियोला आज खेल सकता है, मतलब 6 अक्टूबर को भी प्लेइंग 11 में था बट सब्स्टिट्यूशन रेशियो कम ज़्यादा है इसका, सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं जा रहा, रीज़न ये है। और डिफेंडिंग की बात करें तो भाई लुपेटो के बाद इनका दूसरा प्लेयर है मैट्यूज, अगर खेलता है ठीक है, नहीं खेलता तो भाई जापा तो है ही, जापा के बाद है जे लुइस पैलामिनो, अगर खेलता तो मज़ा आता क्योंकि ये बंदा पहले एटलांटा में था, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, इतने अच्छे अच्छे प्लेयरों को कहाँ रख रखा है, अब मेरे को मजबूरी में इधर उधर जाना पड़ेगा। और ये वायमीना भी इतना अच्छा है, पता नहीं कब तक भेजेंगे इन्हें प्लेइंग 11 में। उसके बाद एक प्लेयर ऑपोजिशन टीम का लूँगा जे बिजोल। एंड बात करें गोलकीपिंग की, गोलकीपर है एम ओकोए यूडिनेस का, भाई प्राइमरी गोलकीपर नहीं है लेकिन ये खेल रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है, वही अच्छी बात है। और बात करें कप्तान की, तो मेरा जो कैप्टन है मेरे भाई, देखो इतने सारे ऑप्शन में मैं जल्दबाजी गलती नहीं करूँगा, मेराइन का एक अच्छा मैच देखकर मैं उसे कप्तान भी नहीं रखूँगा, ना मैं आपको आर पी कोहली का सजेशन दूंगा। मेरी नज़र में, मेरे दिमाग से अगर मैं सोचूँ तो मैं खुला रिस्क लेने वाला हूँ इस मैच में, जो मेरे साथ रिस्क लेने वाला है वो मेरी टीम से खेलेगा, नहीं तो मत खेलना। मेरा कैप्टन है लुपेटो, मेरा वाइस कैप्टन है जापा, बस भाई, मतलब मेरे पास और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं फालतू रिस्क लेके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ कई बार, वो भी रिस्की मैचों में, मैं रिस्क तब लेता हूँ जब मेरे को उम्मीद हो, मुझे उम्मीद नहीं है तो मैं उल्टे सीधे नीचे से खिलाड़ियों को नहीं रखूंगा कप्तान वाइस कप्तान, इसलिए मैं सेफ जाऊंगा इनके साथ, पर मेरी नज़र में ये भी रिस्क है तो इसलिए देख के खेलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।